हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल जेस्ट। तो आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है हमारे पास एरर ड्यू टू इनकरेक्ट चेन। अब हमने देखे थे टाइप्स ऑफ एरर, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एरर्स आते हैं इन चेनें उनको हम किस तरीके से रिमूव करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देख लीजिए एरर ड्यू टू इनकरेक्ट चेन। अब इसका क्या मतलब है ये कि आप जानते हैं कि जब भी हम चेन मार्केट से बाय करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ सर्विंग, तो उस चेन के ऊपर जारी बात है पैकेट के ऊपर उसकी स्टैंडर्ड लेंथ लिखी होगी। मीन ये कि 20 मीटर है, 30 मीटर है, जितनी मीटर की भी या फुट की वो लेंथ होगी वो हमारे पास गिवन होता है। बट ये हो सकता है कि जो वो इंस्ट्रूमेंट है, वो जो चेन है, वो बाई कंपोजिशन ही मिस्टेकन हो। मीन्स कि बाई कंपोजिशन ही उसमें डिफॉल्ट हो, उसमें फॉल्ट हो, और वो ये हो सकता है कि 20 मीटर दिखी हुई है लेकिन वो 21 मीटर की हो या 19 मीटर की हो। तो उससे ज़्यादा भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है जितना के लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है कि जब हम उस सर्वे उस चेन से सर्वे करेंगे तो हम तो उसको 20 मीटर का समझ के ही कर रहे हैं। तो वो पूरा हमने सर्वे कर लिया और उसके बीच उसके बिहाफ पे हमने कैलकुलेशंस कर लिए, लेकिन वो हमारा सारा सर्वे गलत हो गया। क्योंकि जारी बात है आप देखिए कम्युलेटिव एरर में वो एरर एडअप होता चला जाएगा और कम्युलेट करके एक लार्ज एरर वैल्यू हमें दे देगा। तो क्या होता है कि उस केस में जैसा कि हमने कंपनसेटिंग एरर में पढ़ा था कि कंपनसेटिंग एरर में तो कंपनसेट हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि फिर हमें उस एरर को दो ही तरीके हैं या तो रिमूव करने के, या तो फिर हम दोबारा मार्केट जाएं और अपना इंस्ट्रूमेंट चेंज करें, एक नई चेन लेकर आएं जो कि एग्जैक्ट मीटर की हो, जिसमें कोई डिफॉल्ट ना हो, कोई कोई गलती मौजूद ना हो, या फिर हम ये करें कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के जरिए, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस के जरिए उन एरर्स को रिमूव किया जाए। आज की वीडियो में वही देखेंगे कि जब भी एरर आता है इन चेनिंग जो कि हम रिमूव नहीं कर सकते, काफ़ी सीरियस एरर है जो कि इफेक्ट कर रहा है सर्वे वर्क पे, तो उसको हम किस तरीके से मैथमेटिकली रिमूव करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए एल डैश इज इक्वल टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन। मीन ये कि ये डेजिग्नेशन है, ये सिंबल्स हैं। एल डैश को हम कहते हैं इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन। जो भी आपकी इनकरेक्ट लेंथ थी के पैकेट के ऊपर कुछ और लिखा था, इनकरेक्ट लेंथ को आप एल डैश से डिनोट करेंगे। और जो एक्चुअल लेंथ एल इज इक्वल टू करेक्ट लेंथ ऑफ द चेन, जो कि आपके ऊपर आपके पास पैकेट के ऊपर लिखा था कि 20 मीटर है, 30 मीटर है, वो हमारी एक्चुअल लेंथ है विच इज डिनोटेड बाई एल। अब यहाँ पे ये है कि हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ही अपना जो सर्वे है उसको ठीक करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ट्रू लेंथ ऑफ लाइन एल इज इक्वल टू, ये हमारे पास ट्रू लेंथ ऑफ लाइन इज इक्वल टू एल डैश डिवाइडेड बाई एल इंटू मेजर लेंथ। अब एल डैश क्या है, वो इनकोरेक्ट लेंथ जो कि उस इनकोरेक्ट चेन की थी। एल जो है हमारे पास करेक्ट लेंथ है, मेजर लेंथ जो है हमारे पास कि हमने मेजर लेंथ ऑफ लाइन कि हमने जो लाइन मेजर की है उस चेन से उसकी लेंथ कितनी है, मेजर लेंथ ऑफ लाइन। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखें ट्रू लेंथ ऑफ लाइन हमारे पास क्या है, एल डैश डिवाइडेड बाय एल इंटू मेजर लेंथ ऑफ लाइन कि वो इनकोरेक्ट चेन से आपने जितनी लेंथ की लाइन मेजर की है वो यहाँ पे हम पुट करेंगे। इसी तरीके से आप देख लीजिए नेक्स्ट जो हमने फिर सर्वे किया उसमें जारी बात है ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन गलत है, तो हमारे पास एरिया को भी हमें ट्रू करना पड़ेगा, इसी तरीके से वॉल्यूम को भी ट्रू करना पड़ेगा। तो ट्रू एरिया का वॉल्यूम फॉर्मूला आप देख लीजिए एल डैश डिवाइडेड बाई एल का स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर होगा इंटू मेजर्ड एरिया, क्योंकि हमारे पास लेंथ इंटू विड्थ एरिया होता है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर यूज होगा। एंड इन द सेम वे ट्रू वॉल्यूम के केस में एल डैश डिवाइडेड बाई एल का क्यूब मल्टीप्लाई बाय मेजर्ड वॉल्यूम। तो मेजर्ड एरिया क्या है, उस जगह का एरिया जो कि आपने सर्वे किया उसका लेंथ इंटू विड्थ एरिया। इसी तरीके से मेजर्ड वॉल्यूम लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो ये आपके पास बेसिकली तीन फॉर्मूलाज हैं जो कि आप यूज करते हैं जब भी एरर होता है इनकरेक्ट बिकॉज ऑफ लेंथ, कि आपकी लेंथ करेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि अगर हम ये है कि एल डैश जो है उसको अगर हम सिंपली निकालें किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो एल डैश जो होता है आपका एल डैश इज इक्वल टू एल प्लस माइनस ई। अब ई क्या है, आपके पास एरर है, एरर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। एरर कैन बी पॉजिटिव एरर और आपके पास नेगेटिव एरर भी हो सकता है। अब किस केस में होता है देखते हैं, पॉजिटिव एरर आपका तब है जबकि आपकी जो जो इनकरेक्ट लेंथ है वो लॉन्ग है। मीन्स ये कि 20 मीटर है, तो कुछ उससे लंबी जो है आपके पास असल में जो चेन जो इनकरेक्ट है वो लॉन्ग है, तो आपके पास क्या है जब इट इज टू लॉन्ग। एंड ऑपोजिटली नेगेटिव एरर कब होगा, जब जो डेजिग्नेटेड लेंथ है उससे कम होगी तो आपके पास इनकरेक्ट लेंथ हो जाएगी, वो टू शॉर्ट हो जाएगी, तो ये हमारे पास नेगेटिव एरर हो जाएगा। टू शॉर्ट मीन्स नेगेटिव एरर। तो अब जब हम
फॉर्मूला करेंगे, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें देखेंगे कि जब हमने इनकरेक्ट लेंथ फाइंड आउट करनी है एल डैश, तो क्या है कि एरर को ई को उसमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड करेंगे जब वो टू लॉन्ग होगी तो फिर हम उसको ऐड करेंगे, अगर वो टू शॉर्ट होगा एरर तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये आपने न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए याद रखना है। अब इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसका, ताकि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है एरर का। द लेंथ ऑफ अ लाइन मेजर्ड विद चेन 20 मीटर वॉज फाउंड टू बी 500 मीटर्स। अब कहने का मतलब ये कि 500 मीटर्स लाइन की लेंथ हमने मेजर की एक इनकरेक्ट चेन से, एक चेन से जो कि चेन है 20 मीटर की। मीन्स ट्रू लेंथ हमारे पास कितनी है 20 मीटर, 500 मीटर्स लेंथ ऑफ द चेन। इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द चेन वॉज 0.03 मीटर टू लॉन्ग। मीन ये कि अब एरर बता रहे हैं कि 0.03 मीटर टू लॉन्ग थी, मीन्स एक्चुअल लेंथ पे नहीं थी, उसके अंदर डिफॉल्ट थी, एरर था, और जो है हमारे पास 0.03 मीटर टू लॉन्ग थी। अब टू लॉन्ग का मतलब पॉजिटिव एरर है। वट इज द लेंथ ऑफ अ लाइन, यानी कि अब हमें करेक्ट लेंथ ऑफ द लाइन फाइंड आउट करनी है। ठीक हो गया। अब क्या करें, यहाँ पे आप देख लीजिए सिंपल हमारे पास क्या है, एल क्या है हमारे पास, सिंपल एल जो है हमारे पास क्या है, टू लेंथ ऑफ द चेन। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं लेंथ ऑफ द लाइन एक अलग चीज़ है, लेंथ ऑफ द चेन अलग चीज़ है। लेंथ ऑफ द चेन को हम एल से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और जो मल्टीप्लाई में मेजर्ड लेंथ ऑफ द लाइन, वो लाइन होता है, ठीक हो गया। ये एल आपके पास क्या है, ये 20 मीटर जो कि हमें गिवन है, 20 मीटर हो गए। अब देख लीजिए एल डैश क्या है हमारे पास, इनकोरेक्ट लेंथ, इनकोरेक्ट लेंथ जो कि हमारी चेन की है, ठीक है। वो आप देख लें कि वो क्या है हमारे पास, एल प्लस माइनस ई, एल प्लस माइनस ई जो कि फॉर्मूला अभी हमने देखा था। अब यहाँ पे देखिए टू लॉन्ग लिखा है, तो मीन्स ये कि एल प्लस ई होगा, मीन्स ये कि पॉजिटिव एरर है। जब पॉजिटिव एरर है तो हमारे पास एल प्लस ई हो जाएगा, पॉजिटिव एरर। इसी तरीके से अब यहाँ पे देखिए एल कितना है 20, और एरर हमें दिया हुआ है 0.03, 20 प्लस 0.03, और आपके पास आ जाएगा 20.03। तो ये हमारे पास 20.03 मीटर है। मीन्स ये कि हमें पता चल गया कि टू लेंथ जो थी, एक्चुअल जो लेंथ होनी चाहिए वो 20 मीटर है, बताई गई है पैकेट के ऊपर डेजिग्नेटेड लेंथ, एंड ये हमारे पास जो इनकरेक्ट लेंथ है। अब बात करते हैं अपने फॉर्मूले की, कि हमारे पास फॉर्मूला क्या था। वो हमारे पास था ट्रू लेंथ ऑफ लाइन, इसको मैं टी एल से शो कर रहा हूँ, ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन इज इक्वल टू एल डैश डिवाइडेड बाय एल इन टू मेजर्ड लेंथ। मेजर्ड लेंथ को मैं यहाँ एम एल से डिनोट कर देता हूँ, ठीक हो। सो इन टू एम एल, अब यहाँ पे एम एल देख लीजिए, ये हमारे पास होता है मेजर्ड लेंथ। अब देख लीजिए सिंपल वैल्यूज पुट कर दें, एल डैश क्या है हमारे पास 20.03 विच इज इनकोरेक्ट लेंथ, एंड 20 इज एल विच इज करेक्ट लेंथ। सिंपल मल्टीप्लाई करें, एम एल क्या है मेजर्ड लेंथ 500 मीटर्स जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है 500 मीटर्स। इसको आप सिंपली सॉल्व कीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना आता है ये हम देख लेते हैं, ट्रू लेंथ आपके पास आती है 500.75 मीटर्स, 500.75 मीटर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए ये ट्रू लेंथ हमारे पास, ट्रू लेंथ इज इक्वल टू 500.75 मीटर। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है, हमारे पास मेजर्ड लेंथ और लेंथ और इनकोरेक्ट लेंथ को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे देख लीजिए कि इसका हम नेगेटिव केस भी, नेगेटिव एरर का केस भी अज्यूम कर लेते हैं, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो ये क्वेश्चन में तो पॉजिटिव एरर का केस गिवन है, लेकिन लेट सपोज कि यहाँ पे अगर टू शॉर्ट गिवन होता, अगर टू शॉर्ट गिवन होता तो फिर किस तरीके से करते। फिर भी हमारे पास देख लीजिए यहाँ पे एल इज इक्वल टू 20 मीटर ही होता, एल इज इक्वल टू 20 मीटर है। एल डैश जो है हमारे पास वो कितना है, एल प्लस माइनस ई। अब शॉर्ट एरर का केस अज्यूम कर रहे हैं नेगेटिव एरर का, तो एल माइनस ई हो जाता, एल माइनस ई 20 माइनस 0.03 विच विल कम एल डैश इज इक्वल टू 19.97 मीटर। तो ये हमारे पास इनकोरेक्ट लेंथ, चेन की इनकोरेक्ट लेंथ हो जाती है 19.97 मीटर। अब सिमिलरली ये फॉर्मूला लगाइए, ट्रू लेंथ इज इक्वल टू एल डैश डिवाइडेड बाय एल 20 सॉरी 19.97 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय मेजर लेंथ ऑफ द लाइन 500।
इसको कैलकुलेटर पे सिंपली सॉल्व कीजिए, आपका ये वाला ट्रू लेंथ भी आ जाएगी। तो इसमें कोई इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, इजी सा कॉन्सेप्ट है। इसको अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा 499.25 मीटर, 499.25 मीटर। तो ये आपके पास ट्रू लेंथ हो जाएगी, 499.25 मीटर। तो अब देख लीजिए कि हमने किस तरीके से समअप किया। हमने देख लिया कि जो एरर है अगर वो इनकरेक्ट लेंथ की वजह से आ रहा है, तो फिर हम इन फॉर्मूलाज का यूज़ करेंगे। टू एरिया का फॉर्मूला देख लिया, टू वॉल्यूम का फॉर्मूला देख लिया, और आपकी इसके लिए एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर दिया, टू एरर, टू लॉन्ग और टू शॉर्ट का। क्योंकि हमने देख लिया कि टू लॉन्ग पॉजिटिव एरर होता है, टू शॉर्ट हमारे पास नेगेटिव एरर होता है। तो आज की वीडियो में गाइज इतना ही। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट और ये न्यूमेरिकल समझ आ गया है और मेरी वीडियो पसंद आई है, तो ज़रूर उसको लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।